Now question comes, how Python works. Python किस तरीके से काम करता है? इसे understand करने के लिए पहले हम ये understand करेंगे कि बाकी programming language किस तरीके से work करती हैं। ज्यादातर programming language के अंदर आप लिखते हैं normal code, code लिखने के बाद आप इसे compile करते हैं, compile करने के बाद ये machine dependent language में convert होता है, यानी एक file generate करता है जो machine dependent होती है। आप इस machine dependent code को रन करते हैं और फिर ये आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है, राइट? लेकिन इस तरीके से जो कोड जनरेट होता है ये मशीन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो कंपाइल होने के बाद कोड जनरेट हुआ वो मशीन डिपेंडेंट कोड होता है, राइट? लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे एक स्टेप आगे गई, उन्होंने मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करना स्टार्ट किया, जैसे कि जावा। जावा के अंदर क्या होता है, जावा के अंदर भी आप कोड लिखते हैं, आप उसे कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड देता है जिसे हम कहते हैं बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल। ये बाइट कोड क्या होता है, आप इसे किसी भी मशीन के JVM पर, जो JVM होगा वो हर एक मशीन का अलग अलग होगा, जैसे लिनक्स के लिए अलग होगा, विंडो के लिए अलग होगा, तो ये जो बाइट कोड है आपने चाहे इसे कंपाइल करने के बाद विंडो मशीन पर जनरेट किया इस बाइट कोड को, लेकिन इस बाइट कोड को किसी भी मशीन का JVM उसे इंटरप्रेट कर सकता है और आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? तो इस तरीके से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट कोड भी जनरेट करके देते हैं आफ्टर कंपाइलेशन। इज इट क्लियर? अब पाइथन कैसे वर्क करता है, पाइथन क्या करता है, पाइथन में आप कोड लिखते हैं और डायरेक्ट ये उस कोड को इंटरप्रेट कर देता है और आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देता है। तो यहां पर कंपाइलर नहीं होता, आपका कोड डायरेक्टली मेमोरी में लोड होता है और सीधा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। अगर कोई एरर होती है तो वो उसी वक्त पता लगती है,